क्या है? मुझे कुछ नया वहां पे दिख रहा है, थोड़ा उस बारे में बताइएगा। ये सनरूफ है, वैसे पूरा जो हार्ड टॉप है आप देखिए, ये जो पूरा हार्ड टॉप है ये यहाँ पे आपको नॉर्मल जो थार में मिलेगा, जो महिंद्रा दे रही है वो आपको दे रही है, जिसमें लोग शिकायत आ रही है वाइट पड़ जाती है या फिर आपको रेगुलर उस पर पॉलिशिंग या ट्रीटमेंट वगैरह करवाना पड़ता है, वो वाली चीज़ है। पर इसमें आप देखिए काफ़ी शाइनी है और ये थोड़ा स्क्रैचलेस है, और देखिए मुझे आप लग रहा है ज्यादा स्क्रैच धूप भी में नहीं कर। डिग्रेड भी नहीं हाँ, होगा और ये। ड्यूरेबल भी है, आप इस पर खड़े भी हो सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसे बेहतर बनाती हैं नॉर्मल जो हार्ड टॉप आता है उससे। और मेन चीज हम दिखा देते हैं, इसका तो मेन अट्रैक्शन सनरूफ मेन है, अट्रैक्शन एक बार सनरूफ जाके है देखिए। जो लोगों को काफ़ी पसंद है। वैसे एक चीज़ और है इसमें, ये देखिए, ये फिर अभी दोबारा इलेक्ट्रिक फुटस्टेप जो आपका डोर के साथ है वाह। ना, अच्छा ये फिर 55,000 के ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है। 55,000। हाँ, लेकिन जब तो इतनी गाड़ी ली है, शौक है तो फिर है ये तो ना, बनता है और बनता है बस। चलिए एक है बार उसमें चढ़ के दिखाइए। यस, इजी हो गया चढ़ना। ना, इजी हो गया ये। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और ये देखिए, अच्छा, आराम से और निकल मैं पा रहे चारों हैं। तरफ घूम भी सकता हूँ। आज़ाद 4x4 पे मिलेगा आपको ऐसा काम। और ये जो आपको रूफटॉप मिल रहा है इस पे, मतलब जनरली आप खड़े भी हो सकते हैं, ये देखिए काफ़ी ड्यूरेबल है इस पे, तो काफ़ी ड्यूरेबल भी है और लीकेज वगैरह कोई समस्या नहीं है, गारंटी वारंटी के साथ मिलेगी आपको ये। अगर और कोई ये नयापन आप अपनी गाड़ी में करना चाहते हो तो तो बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करता ये सब, मतलब प्राइसेस तो रहते हैं कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर फिर भी ऑलमोस्ट आपको 80,000 के आसपास का 80,000 जैसा हाँ का हो मुझे जाएगा। इसको देखिए, और यहाँ टैंक पे भी याद आ दो गई, दो टैंक होता है ना, टैंक, हाँ दो सोल्जर निकले हैं यहाँ एग्जैक्टली से यहाँ फायरिंग से कर निकल के, रहे हाँ अपना गन वन का हैं। सेटअप कर लीजिए, तो काफ़ी अच्छी है। और ये जो लुक आया है इसमें नया, ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो बाकी जो आते हैं, और ये पूरा फाइबर ही है। फाइबर ही है मतलब, हाँ हाँ स्ट्रांग इनफ है, क्योंकि हाँ आप कुछ चढ़े थे वहाँ पे दोबारा करके ऐसे। हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग इनफ है, गुड। है ना, तो काफ़ी स्ट्रांग है। और ये अपने आप में डिज़ाइन जो आपने सामने से दिखाया था, आप सामने से दिखा देंगे, जब ये पैक भी होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है ये, दिखने में अच्छा, ऐसा नहीं कि है बुरा ना। लगता हाँ, हो। लुक बहुत अच्छा आ रहा है। उसके बाद आप इसमें एडिशनल यहाँ लाइट्स वगैरह जो रूफ लाइट्स रहती हैं वो भी वो लगवा लगा सकते सकते हैं। हो, मतलब आराम से बैठ भी गए आप, हाँ, और काफी ड्यूरेबल है, काफ़ी काफी स्टेबल ड्यूरेबल है, है। हाँ काफी स्ट्रांग भी लगा। हाँ और सबसे वैसे अच्छा मुझे ये लगा कि यार डोर बंद इलेक्ट्रिक कीजिए, दोबारा फुटस्टेप, दिखा देते हैं आपको, एंड ऐसा नहीं है कोई डिले वगैरह, दोबारा हाँ खोलिएगा कोई फिर डिले नहीं चल है, जाएगा, कोई क्योंकि आपको ग्राउंड क्लियरेंस में कोई इंट्रूजन नहीं है इसमें, इसका चेसिस पूरा आराम हाँ से। चेसिस में ही आपका है। देखिए ऑलमोस्ट खुलने के बाद नीचे आती है, उसके बाद ये अपने प्रॉपर प्लेस में फिक्स हो जाती है, देखिए क्योंकि ये एंगल वगैरह इसमें यहीं पे है, नीचे ही है, तो मतलब कोई इंट्रूजन नहीं है इसका ग्राउंड क्लियर। इंटीरियर में यहाँ पे आपको पहले तो यही ग्रैब ग्रैब हैंडल्स हैंडल, मिल जाएंगे, उसके बाद ये एसी वेंट्स, इनमें लाइटिंग वगैरह अच्छा है। इसमें लाइट लाइट भी जलती है। हाँ, वो अभी थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह खुले हुए हैं इसके, इसलिए अभी जल नहीं पा रही हैं। अच्छा बाकी मतलब, आपको यहाँ पे इसमें एम्बियंट लाइटिंग वगैरह मिल जाती है अच्छा इंडियन लाइट यहाँ पे लगा डोर्स दी में। है हाँ, डोर्स में। यहाँ पे है, यहाँ पे है पूरे सेंटर कंसोल वगैरह में, और रियर आर्म रेस्ट वगैरह मिल जाते हैं आपको, रियर आर्म रेस्ट वगैरह मिल जाएंगे दोनों साइड कप होल्डर्स के साथ। बाप रे बाप, मच्छर है यार। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एयरक्राफ्ट स्टाइल के, हाँ यहाँ आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट स्टाइल के काफ़ी सारे बटन हैं, ये ये सब एक्चुअली फंक्शनिंग है, हाँ फंक्शनिंग है, लाइट्स वाइट्स वगैरह लाइट्स के वगैरह लिए है। हैं ये। सबसे इसका जो मेन और वो लगे हैं। सनरूफ आपको मैनुअल दी गई है ताकि कोई खराबी भी ना आए, है ना, और देख सकते हैं आप काफ़ी ह्यूमंगस है और दो दो हैं, है ना, भी नए हैं ये जो आपको यहाँ, ये भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही है जो रेंगलर स्टाइल में दी गई है। बाकी ये आपको बंपर नया मिल जाता है इसमें, ये काफ़ी अच्छा बंपर है, स्क्रैचलेस है, मतलब आप काफ़ी टफ बहुत टफ है, है हाँ ना। लग भी नहीं रहा। और यहाँ पे आपको जो फेंडर्स में कोटिंग मिलेगी, ये लिनक्स शार्क कोटिंग है, बहुत ड्यूरेबल, मतलब स्क्रैच फ्री है, तो ये भी काफ़ी ड्यूरेबल बना देती है। ये देखिए आप साइड मोल्डिंग्स कितनी हैवी हैं,
बहुत ज़्यादा हैवी है। बहुत हैवी हैं ये भी, तो बहुत सारा काम है ये। आपको ORVMs वगैरह बॉडी पेंटेड मिल जाते हैं, तो आप कुछ भी अपना टेस्ट जैसा, जैसे जितने आपको पैसे लगाने हो कि मुझे ये चीज़ अच्छी दिखानी है, ये लाइट्स हाई माउंटेड बहुत ठीक है। बहुत शानदार सारी लगती एक्सेसरीज आपने देखी होगी। नॉर्मली हम दिखाना चाह रहे थे जो इसका मेन है। अट्रैक्शन है रूफ, संदूक है ना, दो संदूक एग्जैक्टली। दिखा रखी है, और जो ये ऑटोमेटिक फुटस्टेप है हाँ, ये दो बाकी है। आपने लाइट्स वगैरह तो खूब देखे होंगे, जेल की ग्रिल लाइट्स हैं इसमें, वगैरह भी ग्रिल चेंज करा वगैरह रखी है। है, हाँ ये तो आपने काफी देखी जेल की होंगी। लाइट्स, जेल की ग्रिल्स, ये फ्रंट ट्रायंगलर स्टाइल बम्पर, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपकी बॉडी प्लेट्स हैं जो अंडर बॉडी प्रोटेक्ट करती हैं, ये आपकी स्किड प्लेट है, फ्यूल टैंक वगैरह सबका प्रोटेक्टर है, DEF टैंक का भी प्रोटेक्टर है इसमें, पीछे पीछे लगा हुआ लगा हुआ है। तो यही एक अट्रैक्शन था थोड़ा, जो संदूक दिखानी थी और ऑटोमेटिक फुटस्टेप दिखाना हाँ, था। इलेक्ट्रॉनिक एक बार जाते फुटस्टेप। जाते प्राइस बता देता है। संदूक का प्राइस आपने बताया 80,000, हाँ, ये पूरा मतलब रूफटॉप का बता रहा हूँ मैं। रूफटॉप का एटी हाँ, ये थाउजेंड पूरा जिसमें रूफटॉप आपको संदूक एटी इसमें थाउजेंड इंक्लूडेड है जी, पीछे आगे से लेके पीछे तक, तक और इसका जो ऑटोमेटिक फुटस्टेप है ये 55 के अराउंड, मतलब अब प्राइसेस बिल्कुल एक्चुअल कुछ हो नहीं वो सकते अप डाउन क्योंकि हो वो सकता है इन्फ्लेट मार्केट करते के। हैं, इंपोर्ट होती हैं चीज़ें। एक बार फिर दिखा देते हैं ये, मुझे भी क्योंकि खुद पर्सनली काफ़ी पसंद आता है ये, देखिए। बढ़िया, थैंक यू सो मच ब्रदर भाई, थैंक थैंक यू। यू। ठीक करवाना है आज़ाद 4x4 पे आ सकते हैं, और आप ये भी बता दीजिए कोई पेड प्रमोशन नहीं है हम लोगों का है ना, जनरली अपने को जनरली पसंद आया, जो हाँ, अच्छी चीज़ें हैं वो बतानी भी चाहिए लोगों एक्चुअली को, अच्छा काम एक्चुअली हम चाहिए। आए थे हाइलेक्स के लिए। हाइलेक्स देखिएगा, इसके लिए आए थे तो हमें दिख गई ये चीजें तो। आते थे जो पुरानी थार में कुछ लोग देते थे वो ग्लास वाली, पर ये बिल्कुल लेटेस्ट है इसके लिए, न्यू जनरेशन थार के लिए, तो इसलिए अच्छी लग भी रही थी कि लग भी काफ़ी रहे अच्छी लग रही है लुक वाइज।